दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज के इंदौर मंडी के आलू प्याज लहसुन के बाजारों की बात करें तो लहसुन में मद्दी का दौर जारी है और लगभग 500 से 1000 रुपए की मद्दी देखने को मिली। कांदे में भी लेवाली बिल्कुल सुस्त। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो दोस्तों बात करें इंदौर के प्याज के बारे में, तो प्याज ऊपर में मोटा माल 2850 रुपये का है, सुपर माल 2500 रुपये से लगाकर 2800 तक बिका है, एवरेज माल 2200 रुपये से लगाकर 2500 तक बिका है, और गोल्टा माल जो है दोस्तों 1800 से 2200 बिका है, गोल्टी माल 1200 से 1800 बिका है, हल्का माल 1000 से 1200 रुपये तक बिका है। आवक 22000 कट्टों की रही है दोस्तों, आवक 22000 कट्टों की रही है और बाज़ार में 100 से 200 रुपये की मंदी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, 100 से 200 रुपये की मंदी देखने को मिली है प्याज के बाज़ार में। फिर बात करें दोस्तों लहसुन के बारे में, तो ऊपर में लहसुन बढ़िया देसी माल 13900 रुपये बिका है, देसी सुपर माल 12000 से 13000 रुपये तक बिका है, और देसी मोटा माल 11000 से 12000 तक बिका है, देसी बढ़िया लड्डू माल 9500 से 10500 तक बिका है, देसी मीडियम माल 7500 से 9000 तक बिका है, देसी बारीक माल 5000 से 7000 तक बिका है, आवक 10000 बोरी की रही और बाज़ार में 500 से 1000 रुपये की मंदी देखने को मिली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मंदी का दौर देखने को मिला है लहसुन के अंदर, 500 से 1000 रुपये की मंदी है दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों आलू के बारे में, तो ऊपर में आलू बढ़िया राशन माल 1420 रुपये का है, चिप्स 900 रुपये से 1200 तक बिका है, गुल्ला माल राशन माल 800 से 1200 बिका है, गुल्ला माल 500 से 800, छल्ली माल 300 से 500, छाटन माल 400 से 700, आगरा माल 450 से 800, आगरा की गाड़ी 6 रही है, आवक 5000 बोरी की रही है और बाज़ार समान रहा है दोस्तों।